नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं वसई के अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में। यहां पर वेलनेस फॉर एवर करके मेडिकल शॉप है। 24 आवर ये शॉप चालू रहती है, पब्लिक को आसानी हो, दवाई रात को भी मिल जाए इसके लिए 24। लेकिन यहां हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जो घटना शायद नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई है। उस घटना का आप सीसीटीवी फुटेज जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति आता है, इनसे रात के 2 बजे आइसक्रीम की मांग करता है और एज पर नियम कानून कायदा इन्होंने आइसक्रीम देने से लिए मना कर दिया, क्योंकि रात में सिर्फ मेडिसिन देना अलाउ है, आइसक्रीम या कोई दूसरी चीज़ बेचना अलाउ नहीं है। इन्होंने मना किया, तब गुस्से में उस व्यक्ति ने इनका जो नुकसान किया, इनके इक्विपमेंट फ्रिज को तोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं, फ्रिज हमारे सामने है, इनके इक्विपमेंट तोड़ दिए। उसका ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। तो आज के समय में कितना क्राइम रेट बढ़ रहा है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो, कैसे कैसे लोग हैं कि छोटी बातों के लिए किसी का कितना नुकसान कर जाते हैं। तो देखिए सीसीटीवी में पूरा मामला। आज के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। आजकल के समय में न जाने कब किसको कितना गुस्सा आ जाए यह कह पाना मुश्किल हो गया है। लोगों के गुस्से और आवेश का कोई पैमाना ही नहीं रह गया है। ऐसा ही एक मामला अभी 19 दिसंबर को वसई के अग्रवाल क्षेत्र से सामने आया है, जहां रात के 2 बजे वेलनेस फॉर एवर नामक मेडिकल एवं जनरल स्टोर की 24 घंटे चलने वाली दुकान पर रात के 2 बजे अपने छोटे बच्चे को साथ में लेकर आइसक्रीम खरीदने आए एक व्यक्ति को दुकानदार ने नियमों का हवाला देते हुए आइसक्रीम देने से मना कर दिया। तब आइसक्रीम खरीदार ग्राहक को गुस्सा आ गया और उस ग्राहक ने गुस्से में आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए रखे जाने वाले कांच के फ्रिज को तोड़ दिया। इस मामले का अब यह सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें ग्राहक आइसक्रीम के फ्रिज को तोड़ते दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यह मेडिकल प्रतिदिन 24 घंटे खुला रहता है। दिन भर भी हर ग्राहक को कुछ भी सामान बेचा जा सकता है, लेकिन रात के समय केवल दवाइयों के सिवाय किसी भी सामान की बिक्री पर पाबंदी के चलते इसने उस ग्राहक को आइसक्रीम देने से मना कर दिया था। मेडिकल के स्टाफ ने आइसक्रीम नहीं देकर कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, बल्कि नियमों का पालन ही किया। लेकिन तब मेडिकल संचालक को अपनी सुरक्षा के लिए मेडिकल के बाहर रात के समय दवाइयों के अलावा कुछ भी सामान बेचा नहीं जाता है, ऐसा लिखा एक बोर्ड जरूर लगवाना चाहिए, ताकि हर आने जाने वाले को यह बात अच्छे से पता चल जाए। मेडिकल स्टोर ने पुलिस में मामले की शिकायत कर दी है। पुलिस आरोपी व्यक्ति की तलाश करते हुए मामले की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।